नमस्कार, एमएचएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। देश को आजाद हुए 67 साल हो गए हैं और हम 68वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन इन 68 सालों में देश को सुख और दुख दोनों से सामना करना पड़ा। देश ने कभी नेहरू युग देखा तो कभी देश को इमरजेंसी जैसे हालातों का भी सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ हिंदुस्तान ने तरक्की की नई नई ऊंचाइयां भी छुई, तो अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के नापाक इरादों को भी झेला, जिसका भारत ने हर बार हर मौके पर पाकिस्तान के नापाक इरादों को विफल कर जवाब भी दिया। देश ने न जाने कितना कुछ झेला है और आज तक अगर हम बात करें 1947 से 2014 तक हमने बहुत कुछ देखा है। हमने अपनी आजादी को जिया है, हमने उस आजादी की कीमत भी चुकाई है। हमने बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की तो आम आदमी के लिए सहूलतें भी पैदा की, कुछ पीछे भी छूटा तो कुछ आगे भी निकल गया, लेकिन हमने हार नहीं मानी। आज भी हम वहीं खड़े हैं, आज भी हम उसी तरह सीना तान के खड़े हैं और कह रहे हैं हमारा देश महान है। और इसी महान देश की एक कहानी, एक सफरनामा आपको दिखाते हैं, 1947 से 2014 तक का एक ऐसा सफर जिसमें आप सब कुछ देखेंगे, दर्द भी खुशी भी। जी हां, राजनीति से लेकर अर्थनीति, युद्ध के मैदानों से लेकर परमाणु परीक्षण और खेलों से लेकर फिल्मों तक हर जगह उतार चढ़ाव दिखे। मगर बात आजादी की करें तो 1947 में देश को आजादी मिली और पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान ने कश्मीर को छीनने के लिए हिंदुस्तान से युद्ध किया और उसे मुंह की खानी पड़ी। इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, तो हरित क्रांति से लेकर आईटी क्रांति में हम अपने आप निर्भर हो चले। साल 1947 से 1960 भारत आजाद हुआ। 14 अगस्त 1947 को जैसे ही घड़ी की सुई में रात के 12 बजे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने देश के स्वतंत्र होने की घोषणा की, पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरा भारत देश के आजाद होने की बधाइयां दे रहा था और हर तरफ भारत माता की जय के जयकारे लग रहे थे। जनवरी 1948 देश में शोक की लहर दौड़ गई जब नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी। ये देश के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। महात्मा गांधी को आज भी पूरा देश याद करता है। देश की आजादी के उनके महान योगदान पर आज भी भारत का हर युवा गर्व महसूस करता है। भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध। देश विभाजन के बाद नए पड़ोसी बने पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। ये लड़ाई 31 दिसंबर 1948 को खत्म हुई और इस युद्ध में दोनों देशों के लगभग 1500 सैनिक मारे गए और पाकिस्तान ने कश्मीर के एक भूभाग पर कब्जा कर लिया। फिर वो घड़ी आई जब संविधान सभा की ओर से 1949 में पारित किए जाने के बाद 26 जनवरी 1950 को पहली बार देश का संविधान स्वीकार किया गया। All and from this, the 26th day of January 1950, India, that is Bharat, shall be a sovereign democratic republic, and the Union and its component parts, the states, shall exercise all powers and functions of government and administration in accordance with the provisions of the said constitution. पर असली अड़चने तो इसके बाद आनी शुरू हुई। अब भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया। अलग तेलुगु राज्य की मांग को लेकर हिंसक हुए प्रदर्शनों के बाद साल 1953 में पहली बार भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। साल 1950 वामपंथ का उदय। शीत युद्ध के दौर से गुजर रहे विश्व के